सत श्री अकाल साथियों, मैं सतनाम सिंह और मैं दुआबा टाइम्स देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करता हाँ। साथियों, अज असी शहीद मेयर सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल नरोट जमल सिंह विखे खड़े हाँ, जिथे अज शहीद मेयर सिंह जो कि 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध विच वीरता दिखाते हुए शहीद हो गए सी और मरण उपरांत उन्होंने वीर चक्कर के नाल सम्मानित किया गया। तो अज उन्हों का शहीदी दिहाड़ा स्कूल नरोट जमल सिंह दे विच मनाया जा रहा है। तो स्कूल प्रशासन वालों बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए ने, शहीद की याद के बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए और बहुत अच्छी अच्छी झलक जो लोगों के सामने पेश कीतियां। सो इस जगह पे चीफ गेस्ट बतौर ब्लाक प्रधान सूबेदार कुलवंत सिंह जी आम आदमी पार्टी और SDM पठानकोट वीडियो ब्लाक नरोट जमल सिंह और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स नरेश कुमार जी, सतनाम सिंह जी और गुरजीत जी, करमचंद जी, सिटी प्रधान दलीप चंद जी, अमरीक जी और जितेंद्र जी और सुरजीत सिंह लवली जी और मुकेश कुमार एक्स सरपंच गुगरां और भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस जगह पर पहुँचे और इस समागम इस प्रोग्राम के हिस्सा लिया। सो गलबात करांगे आम आदमी पार्टी ब्लाक प्रधान सूबेदार कुलवंत सिंह जी के नाल और आए हुए होर भी मेहमानों के नाल। मैं सूबेदार कुलवंत सिंह आम आदमी पार्टी ब्लाक प्रधान। सब तो पहला मैं अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से तुहाडे चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करते हाँ कि तुसी साडे बार्डर एरिए हरेक खबर नूं दुख दी हो चाहे सुख दी हो चाहे किसी प्रकार की खबर हो वो कवर करते हो। पहला मैं अपनी टीम वालों तुहाडा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अज का जो प्रोग्राम सी वो लैंडमार्क मेयर सिंह वीर चक्रा का प्रोग्राम सी। इस प्रोग्राम के साडे हल्के पोए थे लागत कैबिनेट मंत्री पंजाब ने आना सी पर हल्के भोए ने उन्होंने मतलब माण प्यार सत्कार ही नहीं दिता है, लेकिन उनकी ड्यूटियां पूरे पंजाब विचों सेवा निभा रहे हैं। किसी कारण वो नहीं आए, उन्होंने कहा साहब आप अपनी टीम के नाल उस प्रोग्राम में जाओ। उन्होंने साढ़े वालों उस शहीदी परिवार को स्कूल के प्रिंसीपल को उन्होंने बच्चों तहे दिल से धन्यवाद करना। तो असी अज ये प्रोग्राम च आए हाँ। असी सब तो पहला इस स्कूल के प्रिंसीपल साहब का बच्चों का और जो भी अपने शहीद परिवार इतने पहुँचे ने वीर नारियां और शहीद लैसनक मेहर सिंह वीर तकरा का परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हाँ, जिन्होंने साडे वर्गे नमाणियों इतने पहुँच के इस मौके में इस समागम आने का मौका मिलया है। और असी बहुत सारे भागा वाले हाँ और करमा वाले हाँ कि साडे भी इलाके भी कोई असी भी उस मिट्टी में हाँ जिस मिट्टी में लैसनैक शहीद मेयर सिंह वीर चक्रा के धरती में हाँ, सानू भी एक माण और एक गर्व महसूस होता है। सुरजीत सिंह मंजीरी तो आम आदमी पार्टी वॉलंटियर, अज सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल शहीद लैसनैक मेयर सिंह जी वीर चक्र विजेता उन्हां दे शहीदी समारोह ते सानू बुलाया सीगा और आपां बड़ा ही माण बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस मौके साड़ी हाजरी लगी। प्रवीण सिंह है, मैं शहीद मेयर सिंह वीर चक्र का बेटा। असी हर साल 6 दिसंबर में शहीद मेयर सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा इस स्कूल दे विच बड़े ही तरीके मना प्रशासन का सानू पूरा साथ हैगा, सहयोग का स्कूल का सानू पूरा सहयोग हैगा और पब्लिक का भी सानू बहुत ज़्यादा सहयोग हैगा। 1971 के इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के मेरे फादर साहब शहीद होए भी उन्होंने मरण उपरांत वीर चक्कर मिला सी। अज भी उन्होंने शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा हाई स्कूल नरोट जमल सिंह मनाया जा रहा है। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाक सेना के छक्के छुड़ाते हुए सीने पे गोली खाकर अपना बलिदान देने वाले सेना की 3 पंजाब रेजिमेंट के लांस नायक मेयर सिंह वीर चक्रा का 51वां बलिदान दिवस जो उन्हीं के नाम पे बने हुए शहीद लांस नायक मेयर सिंह वीर चक्रा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरोट जमल सिंह में आयोजित किया गया। ये शूरवीर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पूरी कंपनी को बचाते हुए अग्रिम मोर्चे पर जाकर पाक सेना
से दो दो हाथ करते हुए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे शूरवीर भारतीय सेना के गौरव हैं, देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज उनके बलिदान दिवस को यहाँ पर नमन किया गया, क्षेत्र के शहीद परिवारों को बुलाकर यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया गया और बच्चों को ये शपथ दिलाई गई कि ये सपना हमारे इन शहीदों ने देखा है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो खुद भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देकर अपने आदर्श चरित्र का निर्माण करें और अपने अंदर देशभक्ति की अलख जगाएं, यही आज के दिन पर इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं इस स्कूल के प्रांगण की बलिदानी मिट्टी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जहाँ एक महान योद्धा की शहादत को सबने मिलकर नमन किया। उन शहीद परिवारों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।